नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्टडी मेंटर में स्वागत है। जैसे जैसे डेट नज़दीक आ रहा होगा आपकी, तो टेंशन लगातार बढ़ रही होगी कि पता नहीं कैसी तैयारी है, बहुत कम डेट मिला है ना। बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही होगी, लग रहा होगा कि DSSB एग्ज़ाम जो है इतना नज़दीक आ चुका है, डेट थोड़ा आगे बढ़ जाता ना। ये सब चीज़ें आ रही होंगी दिमाग में कि काश डेट थोड़ा सा और आगे बढ़ जाता, कोई ना कोई रीज़न आ जाता बीच में। पर ये सब चलती रहेंगी, ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि आप सबसे बेहतर स्थिति में, विश्वास कीजिए, आप सबसे बेहतर स्थिति में है। आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, आपका DSSP PRT हो जाएगा। बस आप कंटिन्यू रखें, अपनी पढ़ाई भी जारी रखें, साथ के साथ वीडियो भी देखते रहें, जो काम की चीज़ें हैं उसे पढ़ते रहें, और लगातार जो है ग्रुप के भी, जो सीटेट मेंटर हमारा ग्रुप है उसके भी कांटेक्ट में रहें। वहाँ पे डेली जो है क्वेश्चंस भी डाले जा रहे हैं, जो स्टूडेंट्स भी वहाँ पे डेली, मुझे लगता है कि 25-30 क्वेश्चंस तो पर डे आ जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट डेली 2-4-5 क्वेश्चन तो समूह में डाल रहे हैं वो। तो अगर आप नए हैं तो सीटेट मेंटर ज़रूर ज्वाइन कर लें, ये एक ग्रुप है फेसबुक पर। अगर आप एजुकेशन से रिलेटेड कुछ भी प्रिपरेशन करते हैं, नीचे लिंक मैंने दे दिया है कमेंट में भी, सीटेट मेंटर ग्रुप, और हमारे चैनल को यहाँ सब्सक्राइब का बटन होगा, सब्सक्राइब कर लें ताकि जो रिसेंट अपडेट्स होगा आपको लगातार मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फिर आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है कि माध्यमिक छात्रों के लिए स्वकेंद्र परीक्षा प्रणाली उपयुक्त है क्यों, या क्योंकि क्या रीज़न हो सकता है कि माध्यमिक छात्रों के लिए, जो मिडिल क्लास है, मिडिल स्कूल है, उसके बच्चों के लिए जो सेंटर है वो होम क्यों होना चाहिए, इसके पीछे रीज़न क्या हो सकता है। ऑप्शंस देखिए, क्या ज़्यादा आपको अप्रोप्रिएट लग रहा है। पहला है कि विद्यालय से दूर नहीं जाना पड़ता है उन्हें, नकल की सुविधा होती। अच्छा, सी देखिए, अपने केंद्र पर अनुशासित रहते हैं। दूसरे, परीक्षा केंद्र पर छात्र निराश हो जाते हैं। क्या लगता है आपको, कौन कौन सा ऑप्शन कमज़ोर है इसमें से, पहले उसे छाटिए, जो स्ट्रॉन्ग है उस पर विचार कीजिए, फिर आपको जो है राइट ऑप्शन अपने आप जो है मिल जाएगा। क्या लगता है आपको, एक ऑप्शन कोई डिसाइड कर लीजिए आप, फिर शुरू करते हैं। चलिए, इसमें से आप जो है पहले काटिए कि कौन कौन सा, एक शिक्षक के रूप में जो है आप सोचते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जो है नहीं होनी चाहिए। पहले तो नकल वाली बात काटिए, निराशा वाली बात, सेंटर से क्या मतलब है, उसे पढ़ाई से मतलब है, ये भी तर्कपूर्ण नहीं लगता है कि अपने केंद्र पे ही अनुशासित रहेंगे, तर्कपूर्ण बात नहीं है। अनुशासित है तो वो दूसरे जगह भी अनुशासित हो सकते हैं, अनुशासित नहीं है तो अपने केंद्र पे भी अनुशासित नहीं रहेंगे, कोई ज़रूरी तो नहीं है, इसलिए जो है सी को भी क्रॉस कर देंगे। तो ए जो है सबसे स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। यहाँ देखिए, जो ए है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है अदर ऑप्शन की तुलना में, इसलिए जो हमें ए के साथ जाना चाहिए। ठीक है, तो विद्यालय से दूर नहीं जाना पड़ता, ऐसा इसलिए कहा गया है कि इसे इसलिए भी मानेंगे कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके पास सुविधा नहीं है, मान लीजिए कि दूसरे शहर अगर वो जाते हैं बोर्ड का पेपर देने या कोई सा भी पेपर देने, तो उनके आवागमन की सुविधा है, रहने के लिए भी जो सुविधा है वो उन्हें व्यवस्था करनी होगी, उसके लिए खर्च पे करना होगा, तो इसलिए जो है उनके खर्च बढ़ जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ को सर्वाइव नहीं कर पाए या उन्हें मुश्किल हो इस चीज़ के लिए, तो इसलिए जो है ए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है, इसलिए ए के साथ जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई छात्र आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं देता है तो आप क्या करेंगे, आप उसके साथ क्या करेंगे। ठीक है, आप खुद ब खुद उसे बता देंगे, ए है। बी है, सहायक पुस्तक से मदद लेने को कहेंगे। ठीक है, सी है, अन्य बच्चों से मदद लेने को कहेंगे। ठीक है, उत्तर न देने का कारण जानेंगे। ये बहुत आसान है, इसमें तो बहुत ज़्यादा मुश्किल आपको नहीं आनी चाहिए। क्या लगता है इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है, क्योंकि आपको जो ऑप्शन चुनना है वो सबसे मजबूत होना चाहिए। तो उसका सबसे आसान तरीका है कि जो सबसे कमज़ोर है उसे पहले काट दो आप, फिर अपने आप जब दो बच जाए या तीन बच जाए तो आपके पास ऑप्शंस तो कम से कम बच गए, तो इससे जो होता है कि आपका सही होने की जो चांसेस है वो काफ़ी बढ़ जाती है। क्या लगता है इसमें से,
क्रॉस करें। चलिए इनमें से पहले हम क्रॉस करते हैं कि कौन कौन सा, स्वयं बता देंगे। ठीक है, सहायक पुस्तक से मदद लेने को कहेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि फिर वो बुक पे डिपेंडेंसी ज़्यादा बढ़ जाएगी, वो अपनी सोचने की क्षमता जो है छोड़ देगा वो, क्योंकि आप ऑलरेडी उसको पढ़ा चुके हैं और पढ़ाने के बाद अगर जो है प्रश्न आप पूछ रहे हैं तो उसे जो है इसका मतलब ये होता है कि आप प्रश्न इसलिए पूछ रहे हैं कि उसे जो है याद करने का कोशिश उसे करा रहे हैं कि वो याद करे कि उसने क्या पढ़ा था क्लास में पहले। ठीक है, अन्य बच्चों से अगर वो मदद लेने को आप कहेंगे तो होगा क्या कि बाद में अन्य बच्चे हो सकता है उसका मजाक उड़ाए कि इसको कुछ नहीं आता है, ये मेरे से ही सब कुछ पूछते रहता है क्लास में, ये चीज़ें घट सकती है इसलिए ये भी कमज़ोर है। ये डी सबसे अप्रोप्रिएट है। क्यों? इसलिए कि अगर उसके पास ये समस्या है, वो याद नहीं कर पा रहा है, तो आप कारण जानने की कोशिश करेंगे ना, आप एक शिक्षक हैं तो उस स्टूडेंट के साथ क्या क्या रीजंस हैं, आखिर उसे जो है उत्तर क्यों नहीं याद हो रहा। हो सकता है कुछ बहुत बेसिक समस्या हो सकता है उसने उस चीज़ को नोट डाउन ही नहीं किया हो सकता है वो एबसेंट हो, या हो सकता है बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, या उसे याद करने में समस्या आती है, या उस चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो उसे समझ ही नहीं आता है, उसके लिए उसे एक्स्ट्रा थोड़ी टाइम आपको देनी पड़ सकती है। तो इसलिए जो है डी के साथ जाइए कि उसका जो कारण है न देने का उत्तर वो क्यों नहीं दे पा रहा है, उसे आप जानने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो डी सबसे अप्रोप्रिएट है। तीसरा देखिए, कक्षा में श्रेष्ठ अनुशासन की कसौटी क्या है? आप क्यों मानेंगे कि कक्षा में जो है अनुशासन बेहतर है? यह है शांति में आवेष्टित कक्षा, मतलब आवेष्टित कक्षा मतलब शांति में आवेष्टित कक्षा का मतलब है कि पूरी तरह से शांति जो है क्लास में है। ठीक है, दूसरी बात कि कक्षा में शांतिपूर्ण शिक्षण की प्रक्रिया जो है चलती है। ठीक है, कक्षा में अपेक्षित सहभागिता है। ठीक है, अपेक्षा के अनुरूप सहभागिता भी है बच्चों में। शिक्षक छात्रों का आक्रामक व्यवहार क्या लगता है इसमें से? पहले काटिए कौन कौन सा कटेगा, उसके बाद आप एक ऑप्शन सोचिए, फिर मैं आंसर बताता हूँ। 2-4 सेकेंड ही आपके पास टाइम है, ज़्यादा समय नहीं है इसमें। चलिए शुरू करें। 3 में तो पहले डी काटिए। ठीक है, ये तीनों ऑप्शंस अच्छे हैं, तीनों ऑप्शंस अच्छे हैं। सहभागिता वाली बात भी ठीक है, आवेष्टित कक्षा शांति में आवेष्टित कक्षा ये भी ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा उटपटांग सा लग रहा है, इसको जो है सवाल प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा इस पे। ये देखिए, अब चूंकि कक्षा का काम क्या है, शिक्षण करना, शिक्षण की प्रक्रिया अगर बेहतर ढंग से हो पा रही है तो क्या कहा जाएगा कि अनुशासन है, यही ना? अगर शिक्षण की प्रक्रिया बेहतर ढंग से क्लास में संपन्न हो पा रही है, छात्र जो है आपका सहयोग, अब पूरी तरह से शांति हो लेकिन कोई इंटरेस्टेड नहीं है, डर के मारे शांति हो, क्लास के बच्चे शांत है लेकिन डर के मारे, और शिक्षण प्रक्रिया जो है बेहतर ढंग से चल रही है, बच्चे सहयोग कर रहे हैं, तो बी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। अपेक्षित सहयोग भी सही है, हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चंस में ये दोनों सबसे स्ट्रांग है, ये भी ठीक लग रहा है, लेकिन अगर चुनना हो तो इन दोनों में से कोई एक चुनेंगे, और हो सकता है कि जो आंसर किया आएगा अगर इस एग्ज़ाम्स में आप पार्टिसिपेट करते हैं तो हो सकता है दोनों मान ले, वो बी और सी दोनों, लेकिन अगर मुझे चयन करना हो तो अब मैं सी के साथ जाऊँगा। ठीक है, क्योंकि कक्षा में शिक्षण की प्रक्रिया संपन्न होती है, अगर शिक्षण की प्रक्रिया सही ढंग से संपन्न हो रही है तो क्लास अनुशासित है। ठीक है, चलिए चौथे की तरफ बढ़ते हैं। ये फैक्चुअल है, 4 नंबर जो क्वेश्चन है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई, 1 मिनट। हाँ, 4 नंबर देखिए, 4 नंबर तो फैक्चुअल है, इसमें कुछ है नहीं। अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था की गई है। ठीक है, इतना ही क्वेश्चन है, ये नहीं है। ठीक है, तो इसमें से जो है ऑप्शन है 6 से 11, 9 से 11, 15 से 35 और डी, कोई आयु सीमा नहीं है, मतलब कभी भी आप शिक्षा ले सकते हैं, तो ये फैक्चुअल है, इसके लिए डी ऑप्शन सही है। ठीक है, कॉन्सेप्ट वाले पे हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे, 4 में फैक्चुअल था बिल्कुल। 5 नंबर देखिए, छात्रों में सामाजिक चेतना विकसित की जा सकती है कैसे?
पहले तो पहला ऑप्शन है अध्यापक के भाषण से, उनके साथ विचार विमर्श करने से, पसंदीदा पुस्तक पढ़ाने से, समाचार पत्रिकाएं पढ़ाने से। इनमें से जो कमजोर है पहले उसे काटिए। पहुंचे एक निष्कर्ष पे आप, ए को क्रॉस कीजिए पहले। सबसे पहले केवल भाषण से सामाजिक चेतना विकास नहीं होती है, उसके लिए जो है बहुत सारे आयाम पे बात करनी होती है। पुस्तक पढ़ाने से कुछ नहीं होता है, केवल पुस्तक पढ़ाने से उसे किताबी नॉलेज होगा, सैद्धांतिक। देखिए किसी भी नॉलेज का जो है, कोई भी नॉलेज जब आप लेते हैं उसका दो पक्ष होता है, एक सैद्धांतिक पक्ष होता है या सिद्धांतिक, कुछ भी कह सकते हैं, सैद्धांतिक भी बोल सकते हैं, थ्योरेटिकल, और इसको बोलते हैं व्यवहारिक। दूसरा व्यवहारिक, व्यवहारिक का मतलब है कि प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें, ठीक है। तो जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको देखना है कि कौन सा पक्ष पूछा गया है। तो सामाजिक चेतना कैसे, मतलब कि समाज के प्रति जो है चेतना या अनुभव कैसे विकसित होगा एक व्यक्ति के अंदर, ये केवल किताब से तो हो नहीं सकता है, क्योंकि किताब में जो लिखी हुई बातें हैं, किताब में जो किसी ने लिखा, मान लीजिए कि आप कोई किताब ही पढ़ रहे हैं, किताब में जिसने लिखा, किसी व्यक्ति ने लिखा, ठीक, वो व्यक्ति अपने अनुसार समाज को देखा है ना। अब जो है उसने जिस समाज को ऑब्जर्व किया, वो जिस समाज में रह रहा था, वो उस समाज के बारे में लिखेगा, न कि आपके समाज के बारे में। नहीं, वो आपके समाज के बारे में नहीं लिख सकता है। क्यों? क्योंकि वो जिस समाज में, जिस परिस्थिति में पला है, वो उसके बारे में बेहतर बता सकता है, आपके समाज के बारे में नहीं बता सकता। बात समझ रहे हैं? दोनों की परिस्थितियाँ अलग अलग होगी, दोनों की व्यवहारिक पक्ष, दोनों का कल्चरल पक्ष, सब कुछ अलग होगा। जैसे सामान्यतः दो रिलीजन के बीच अंतर होता है कि उनके हर तरह के पक्ष में, सांस्कृतिक सामाजिक हर पक्ष में अंतर है, उसी तरह दो व्यक्ति के जो है सामाजिक पक्ष में बहुत बड़ा अंतर होगा, उनका हर चीज़ अलग अलग होगा, ठीक है। तो या दो जगह के मान लीजिए कि जो कल्चर बंगाल के व्यक्ति में होगा, जो कल्चर गुजरात के व्यक्ति में होगा, जो कल्चर जम्मू के व्यक्ति में होगा, जो कल्चर तमिलनाडु के व्यक्ति में होगा, उनकी सामाजिक चेतना जो होगी वो सबकी क्या होगी? अलग अलग होगी। बात समझ रहे हैं? एक नहीं हो सकता है, क्योंकि हर जगह की समाज की अपनी मान्यताएं हैं, अपने स्वरूप हैं, ठीक है। हर जगह के लोग एक से बिल्कुल नहीं हो सकते, हर तरह का समाज एक समान बिल्कुल नहीं हो सकता है। बात समझ रहे हैं? तो पुस्तक को इसके लिए ऑथेंटिक मानना, सी को, बिल्कुल जो है गलत होगा। बात समझ रहे हैं? ये नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जिसने पुस्तक लिखी है वो अपने समाज के बारे में लिखेगा ना, वो अपने अनुभव बताएगा, कोई जरूरी नहीं है कि उसके अनुभव की सारी बातें हर जगह सही हो जाए, ठीक है। जैसे आप कोई किताब पढ़ते हैं तो वो किसी व्यक्ति का विचार है, आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री में बहुत सा ऐसा पक्ष है कि वो आपको वहीं पढ़ाएगा जो वो पढ़ाना चाहता है। विशेष तौर पे जैसे मेडाइवल हिस्ट्री आप पढ़िएगा, मेडाइवल हिस्ट्री में ऐसी बहुत सी बातें लिखी हुई हैं जो किसी व्यक्ति का विचार है, वो लिख कर चला गया, वो अपने अनुसार जैसा मन किया उसको लिख कर चला गया है, आप वहीं पढ़ रहे हैं, तो वो बहुत सी बातें उसमें सही भी हो सकती है, बहुत सी बातें हो सकती है कि झूठ मूठ का की लिखी गई हो, या अन्य बातें जो जो अप्रामाणिक है, जिसका कोई प्रमाण नहीं है, तो उसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं कि वो फर्जी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है, वो अपने मन से या किसी राजा के लालच में जैसे मन किया वैसे लिख के चला गया हो, तो ये सारी चीज़ें प्रभाव डालती हैं। तो आप अगर ऑप्शन जब आप ऐसे चुनते हैं, तो जब व्यवहारिक बातें समाज के साथ आपकी जुड़ी हुई हैं, तो किताब तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, केवल भाषण से काम नहीं चलेगा। समाचार पत्रिका ठीक है, ये भी इशूज़ जो हैं देते हैं, सोशल इशूज़ पे ये कंटेंट देते हैं, मटेरियल्स देते हैं सोशल इशूज़ पे, ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए हम मान सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा क्या होगा कि आप विचार विमर्श करते हैं कि क्या जो है, अगर मान लीजिए कि विचार विमर्श दोनों, अब शिक्षक और जो छात्र है वो एक ही जगह होगा ना, किसी एक ही जगह पे पढ़ा रहा होगा या पढ़ रहा होगा दोनों, तो अगर वो वहाँ के सोशल इश्यूज पे बात करता है तो जब आपसे वो विचार विमर्श करेगा तो बेहतर बातें निकल के आएगी। और क्या बातें निकल के आएंगी? प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें, जो वहाँ की स्थानीय चीज़ें हैं। तो बी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, डी को थोड़ी देर के लिए मान सकते हैं, लेकिन डी बहुत स्ट्रांग नहीं है, बी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। तो बी के साथ जाइएगा, बी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। 6 नंबर पे आइए, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की
की देन है, कौन सा इनमें से, कौन सा जो आयोग है या नीति है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन से जुड़ा हुआ है? कोठारी कमेटी, राधा कृष्णन आयोग, शिक्षा समिति नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, मुदालियर आयोग। ठीक है, इसमें से ऑप्शन चुनना है आपको, एक बताइए कौन सा होगा। ये फैक्चुअल है, इसमें कुछ है नहीं, इसका आंसर सी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर देखिए, लंबे और कठिन शब्दों का उच्चारण करवाने के लिए आप क्या करेंगे? किसी बच्चे से जो है, अगर जो है संधि की हुई वर्ड है, बहुत लंबा कोई शब्द है, ठीक है, तो आप कैसे उसे उच्चारण करवाएंगे? बार बार बुलवाएंगे, ये भी ठीक लग रहा है, उसे तोड़कर उच्चारण करवाएंगे, मतलब संधि अगर किया हुआ है, जैसे मान लीजिए कि संबंधा विच्छेद, ठीक है, कोई शब्द है, संबंध का विच्छेद होना, तो ये बहुत बड़ा वर्ड है, अब इसे उच्चारण करने में बच्चे को दिक्कत हो रही है, तो आप इसे अगर वो नहीं बुलवा पा रहे हैं उसे, ठीक है, तो उसे आप बार बार प्रैक्टिस करवाएंगे, या खंड में तोड़ के बुलवाएंगे, या उसे मिलते जुलते अगर उच्चारण है तो उसे करवाएंगे, तो ये तीनों प्रक्रिया जो है इसके लिए सहायक हो सकती है, इसलिए डी अप्रोप्रिएट है। ठीक है, दो जबकि बिल्कुल स्ट्रांग है तो तीसरा भी मान के आप चले कि वो भी सही होगा, तो ऑल के साथ जाइए। 8 नंबर देखिए, व्याख्यान देते समय कोई उदंड छात्र बाधा उत्पन्न करता है। आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, किसी विषय पे बोल रहे हैं, बता रहे हैं, कोई छात्र बार बार जो है बाधा उत्पन्न कर रहा है, तो आप उसके साथ क्या करेंगे? ठीक है, उसे दंड देंगे, क्लास से निकाल देंगे, चुप रहने के लिए कहेंगे, धैर्यपूर्ण उसकी बात सुनेंगे? बताइए, बहुत आसान है ये तो, इसमें कुछ खास नहीं है, बहुत आसान है। पहले काटिए जो जो कमजोर है, ये कटेगा, बाहर निकालना ऑप्शन नहीं है, इससे आपकी कमजोरी झलक रही है कि आपने उसके सामने हार मान लिया, कि आपको झुकना पड़ा, वो शांत नहीं हुआ। चुप रहने के लिए कहेंगे, अगर उसे चुप रहना ही होता तो आपकी बात वो हर बार सुन नहीं लेता, नहीं सुन रहा है, उसकी बात सुनेंगे, उसे खड़ा कराएंगे क्लास में, पूछेंगे क्या इशू है, बताओ क्यों नहीं बात कर रहे हो, तुम क्यों जो है क्लास नहीं चलने दे रहे हो, क्यों इतना बात कर रहे हो, इशू क्या है? ठीक है, उसके बाद जो है वो फिर ज़्यादा जो है इस तरह का क्रियाकलाप नहीं करेगा, या उसे अपने आप जो है जब क्लास के सामने वो खड़ा होगा, उससे आप दो चार सवाल करेंगे, तो अपने आप ही वो ये आदत छोड़ देगा, इसलिए डी जो है सबसे स्ट्रांग ऑप्शन है। 9 नंबर पे आइए, जो प्रेरक वातावरण के संपर्क में आने से विकसित होते हैं वे क्या है? प्रेरक वातावरण का मतलब है कि इंस्पिरेशनल जो इन्वायरमेंट है, मतलब बेहतर इन्वायरमेंट है जो कि आपको मोटिवेट करता है किसी क्रियाकलाप को करने के लिए, वो क्या है, मतलब कि आने से विकसित होते हैं वो क्या है, वो किस तरह का वातावरण हो सकता है? जन्मजात, प्राकृतिक, अर्जित, बताइए, या सभी? इसका राइट आंसर डी है। ठीक है, ये सभी जो है उससे जुड़े हुए हैं, प्रेरक वातावरण से, सभी का प्रभाव अलग अलग पक्षों में हो सकता है, ज़्यादा कम भले ही उनमें अंतर आ सकता है, लेकिन सभी उपयुक्त हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 10 नंबर, सॉरी थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आ गई, 10 नंबर देखना है हमें। कक्षा में अध्यापक को अधिकाधिक प्रश्न पूछने चाहिए क्योंकि, आप अगर आप क्लास ले रहे हैं तो आपको ज़्यादा प्रश्न क्यों पूछने चाहिए? प्रश्न यही है कि आप अधिकाधिक प्रश्न क्यों पूछना चाहिए आपको स्टूडेंट से? ऑप्शन है प्रिंसिपल को खुश करने के लिए, दूसरा है कक्षा कक्ष में अनुशासन बनाए रखने के लिए, छात्रों को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है, शिक्षक को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है। अब इसमें से देखिए कि कौन कौन सा अवसर कमजोर है, उसको पहले क्रॉस कर लीजिए मन में, और दो या दो बचेगा मेरे अंदाज से इसमें से, जिस पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन बनेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं सही आंसर तक पहुंचने में। क्या लगता है कि कौन सा दो कटेगा? अब जबकि आप वहाँ पे शिक्षक हैं तो प्रधानाचार्य को खुश करने की विशेष ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी वाली बात हो गई, प्रिंसिपल साहब भी कभी वहाँ पे शिक्षक थे, तो उनको खुश करने से कुछ नहीं होगा, आपकी जॉब है तो आप अपनी ड्यूटी करें, ठीक है,
तुम्हें खुश करने का कोई विशेष मतलब नहीं है, तो ये तो पहले ही खत्म होगा। शिक्षक को अभिव्यक्ति का अवसर मिलेगा, अवसर तो उन्हें मिल चुका है ना, एज ए टीचर जब वो अपॉइंट हुए वहाँ पे, तो उन्हें अभिव्यक्ति के अवसर के लिए ही तो वहाँ पे अपॉइंट किया गया है, तो वो तो मिल चुका है उन्हें, इसलिए डी भी ऐसे ही खत्म हो जाएगा। कक्षा कक्ष में अनुशासन बना रहेगा, केवल प्रश्न पूछने से, अधिकाधिक प्रश्न पूछने से अनुशासन नहीं बना रहेगा, बिल्कुल गलत बात है, इसके साथ जाइए। इससे होगा क्या, मान लीजिए कि आप प्रश्न पूछते हैं, तो प्रश्न बहुत तरह के आप पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने से क्या होगा कि जो बच्चा शर्मा रहा है क्लास में, या बोलने में उसे हिचक है, या वो बोल नहीं पाता है, तो आप जिसे चाहे उससे खड़ा करके प्रश्न पूछ सकते हैं, या हाथ उठाने को बोल सकते हैं कि जो इसका आंसर जानता है या इसे एक्सप्लेन कर सकता है कि इसके पीछे रीजन क्या है, ठीक है, तो वो अपने आप को जो है अभिव्यक्त कर पाएगा क्लास में, अपनी बातों को रख पाएगा, इसलिए जो है सी के साथ जाना अप्रोप्रिएट है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है, चलिए नमस्कार।